केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में हुए गमन कांड के आरोपी पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज व जेल प्रहरी रिपू दमन सिंह सहित अन्य तीन आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 31 मार्च तक की रिमांड ली है। यह जानकारी देते हुए सीएसपी अनिल सिंह मौर्य ने बताया कि भैरवगढ़ गबन कांड के 5 आरोपियों से और पूछताछ की जाना थी, इसलिए न्यायालय के समक्ष आज पेश कर 5 दिन की रिमांड ली गई है। गौरतलब है कि भैरवगढ़ थाना पुलिस उषा राज को लेकर उनके भैरवगढ़ स्थित सरकारी आवास पर तलाशी के लिए पहुंची थी। पुलिस ने घर की तलाशी के दौरान कुछ कमरों के ताले भी तोड़े। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को तलाशी के दौरान गबन कांड से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज के अलावा प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। पुलिस इन्हें कब्जे में लेकर जांच कर रही है। मेरे साथ कितना अत्याचार हो रहा है और मेरी बिटिया को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, मुझे जबरदस्ती फंसा लिया गया है। ट्रेजी ऑफिसर उसको छोड़ दिया, उसको कहीं नहीं कुछ कर रहे हैं। ये पीआर बढ़ा दिया, 15 दिन मुझे रख रहे पुलिस रिमांड पर। ऐसा नहीं होता है, एक महिला से अत्याचार कर रहे हैं ये सब मिलके। और अब मैंने कह दिया था, निवेदन किया तो अब मेरे खिलाफ ये कुछ करेंगे, मुझे विश्वास नहीं है। इसमें 5 आरोपियों को पुलिस के द्वारा आज पेश किया गया, जिनका रिमांड आज तक की था। पुलिस के द्वारा इसमें और पूछताछ की जाना है, हस्ताक्षर लिए जाने और भी अन्य कार्रवाइयां बरामदगी की प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया था पुलिस रिमांड का। हमें 31/3 तक का पुलिस रिमांड स्वीकृत किया गया है, जिनमें आरोपियों से हमको जो बरामदगी करना है और भी जो विवेचना में सहयोग चाहिए, उसके लिए हम लोग इनको 31/3 तक पुलिस रिमांड में प्राप्त किया है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह नंदी हाल और नवग्रह मंदिर की दान पेटियों में आने वाली राशि का 35% हिस्सा 16 पुजारियों को दिए जाने के मामले में लोकायुक्त को शिकायत की गई है। दान की राशि का हिस्सा महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के निर्णय के अनुसार दिया जा रहा है। महाकाल मंदिर के पुजारी पुरोहितों को दान की राशि का हिस्सा देने के मामले में उज्जैन की सारिका गुरु ने लोकायुक्त में एक शिकायत की है। सारिका गुरु ने इसके पहले महाकाल मंदिर शिवलिंग क्षरण का मुद्दा उठाया था, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। महाकाल मंदिर के प्रकल्प दान की राशि से चलते हैं। दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह से लेकर नंदी हाल में लगी दान पेटियों में अपनी श्रद्धा अनुसार दान भेंट करते हैं। दान पेटियों को बारी बारी से प्रतिमा खोला जाता है। इनमें से निकलने वाली दान राशि का 65% हिस्सा मंदिर समिति और 35% हिस्सा मंदिर के 16 पुजारियों को मिलता है। सारिका गुरु को इसी पर आपत्ति है और लोकायुक्त को इसकी शिकायत की है। में शिकायत करने का यह है कि जो 35% और 75% जो दिया जा रहा है दान पेटियों में से, जो कि एक्ट के अनुसार नहीं है और कहीं पे भी इसका ऐसा कोई उल्लेख नहीं दिया है कि इनको परसेंटेज देना चाहिए। और महाकाल मंदिर में जो दान आ रहा है वो एक विकास के लिए है, ना कि वहाँ पे जो भी पूजन अर्चन कार्य कर रहे हैं तो उनको पार्टनरशिप के तौर पे दिया जाए, क्योंकि मंदिर एक अपने आप में एक महाकाल ज्योतिर्लिंग है, तो उसमें पार्टनर वाला तो कोई काम होता नहीं है। और एक्ट में और कहीं पे भी ऐसा कहीं नहीं। आपने इस मामले में कहाँ शिकायत की? मैंने लोकायुक्त में शिकायत करी और आर्थिक अपराध में भी शिकायत करी। लगभग कितनी राशि इनको गई है अभी तक? उसमें ऑडिट विभाग का जो अभी तक आपत्तियाँ आ रही है उस समय से चलती आ रही है, कम से कम काफ़ी लाखों के हिसाब से है, मुझे वो आंकड़े याद नहीं है अभी फिलहाल। रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1 पर रेलवे कर्मचारी द्वारा लगातार एसएस शर्मा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशांत पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे द्वारा उज्जैन लॉबी को खत्म करने के लिए 20 मार्च को एक आदेश निकाला गया था, जिसके विरोध में रेलवे मुख्यालय बचाव समिति ने सभी रेल कर्मचारी संगठन और रेल कर्मचारी एक साथ एकजुट होकर मुख्यालय बचाने के लिए रेलवे अधिकारियों के तानाशाही आदेश का विरोध कर रहे हैं। सोमवार सुबह भी रेलवे कर्मचारियों ने प्लेटफार्म नंबर 1 पर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, आदेश जल्द से जल्द निरस्त करने की मांग की। आदेश निरस्त करने के लिए उज्जैन के सांसद मंत्री विधायक ने भी रेलवे को पत्र लिखा है। आदेश निरस्त नहीं किए गए तो कुछ दिन बाद रेलवे कर्मचारियों द्वारा अपने परिवार के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी रेलवे विभाग की होगी। बंद करो, बंद करो।
आचार्य पदवी प्राप्त करने के बाद आचार्य श्री वीर रत्न सुरेश्वर महाराज का कल शाम को नगर प्रवेश हुआ। आज सुबह दौलतगंज कांच मंदिर से होते हुए उन्होंने खाराकुआ जैन मंदिर में मंगल प्रवेश किया। कल शाम नगर प्रवेश के उपरांत आचार्य श्री ने अरविंद नगर उपाश्रय में धर्म सभा ली। उसके पूर्व बैंड बाजे के साथ उनका मंगल प्रवेश जुलूस निकाला, जो उपाश्रय पहुंचकर धर्म सभा में परिवर्तित हुआ। बीती रात देवास रोड पर एक वाहन पर सवार तीन युवक हादसे का शिकार हो गए। घटना पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप हुई। तीनों युवक स्टंट करते हुए बाइक से तेज गति से जा रहे थे, तभी वाहन का संतुलन बिगड़ने से डिवाइडर पर लगे गमलों में जा घुसे। वाहन की रफ्तार इतनी तेज थी कि गमला टूटकर बिखर गया। टकराने के बाद तीनों युवक अलग अलग जा गिरे और बाइक भी टूटकर बिखर गई। आसपास खड़े लोगों ने घटना के बाद निजी वाहन से उन्हें अस्पताल पहुंचाया और मामले की सूचना पुलिस को दी। बताया जाता है कि युवक उज्जैन से देवास की ओर जा रहे थे और तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहे थे। संतुलन बिगड़ने से यह घटना हुई। फिलहाल माधवनगर थाना पुलिस ने मामले में प्रकरण कायम किया है।